दोस्तों जब भी बात आती है एलेक्से अहूजा की सीरीज के बारे में तो दोस्तों इस सीरीज की सारी एम्पलीफायर एकदम बेस्ट है। दोस्तों डीएक्से की भी बढ़िया है, लेकिन बेस्ट की बात करूं तो मुझे एलेक्से की बहुत बढ़िया लगती है एम्पलीफायर। दोस्तों पिछली वीडियो मैंने आपको बताया एलेक्से 6000 एम्पलीफायर के बारे में, तो दोस्तों उस वीडियो को अपलोड करते ही आपके बहुत ज्यादा से कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें जानना है एलेक्से 3200 और 2400 के डिटेल और इसकी सारी इंफॉर्मेशन, इसमें कौन सा स्पीकर लगा सकते हैं, कितने ओम का स्पीकर लगा सकते हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें बताइए हमें नहीं मिल रही है। दोस्तों याली वीडियो को एंड तक देखते रहिए, दोनों एम्पलीफायर के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी एलेक्से 6000 के बारे में तो यहाँ आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके उसे देख लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक के देखते रहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और दोस्तों मैं बता दूं हम लोग के चैनल के ऊपर 5000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो दोस्तों आप सभी का सपोर्ट था और कुछ नहीं, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों मैं बता दूं आप सभी लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई हमें आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए, तो बता दूं मेरा व्हाट्सएप नंबर लेने के लिए फ्रेंड्स आप जब मेरे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपको जरूर से अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी अभी सवाल पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मुझे डीएम करिए, 100% आपके आपके मैसेज का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। कोई भी डीजे का क्वेश्चन हो मुझसे वहाँ पे आके पूछ लीजिएगा, और अपने कमेंट करते रहिए ऐसे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज की वीडियो बिना कुछ टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले स्क्रीन पे देख सकते हैं, दोस्तों ये है हमारी अहूजा की 3200 एलेक्से 3200 की एम्पलीफायर। दोस्तों एम्पलीफायर देखने में काफ़ी प्रोफेशनल लग रही है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की बनी हुई है, और यहाँ पर आपको साउंड के लिए मिल जाते हैं कि आपकी साउंड आर पार जा सके, और यहाँ पे आपको दो चैनल मिलते हैं। चलिए दोस्तों इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। दोस्तों ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं था इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 पॉइंट रखे हुए हैं फ्रेंड्स। पहला है इसका मॉडल नंबर जो कि है एलेक्से का 3200 जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों सेकंड है यहाँ पे इसका वॉट जो कि है 3200 वाट के एम्पलीफायर है, और 1600 वाट पे आपकी आराम से चल जाती है, यानी कि आप एक चैनल पे 1600 वाट और दूसरे चैनल पे भी 1600 वाट दे सकती हैं। दोस्तों थर्ड है यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया और आप भी जानते हैं, ये है डुअल चैनल की पावर एम्पलीफायर जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये थी कुछ इसकी सिंपल इन्फॉर्मेशन। चलिए आपको बताता हूँ कि आप इसमें कौन से स्पीकर लगा सकते हैं, बेसिकली कितने ओम के लगा सकते हैं और कितने ओम पे कितने वाट का स्पीकर इसमें चल जाएगा। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एम्पलीफायर आपको ऊपर दिख रही है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टीरियो मोनो मोड की जिसपे सभी कोई जहाँ तक चलाता है, फिर हम लोग बात करेंगे ब्रिज मोड की। सबसे पहले स्टीरियो मोड में आप अगर मान लीजिए आपके पास 8 ओम्स का स्पीकर है टॉप है या फिर 8 ओम्स का बेस है, तो यहाँ पर आप दोनों ही चैनल पे 700 वॉट और 700 वॉट दे सकते हैं। दो बार नहीं, 1400 नहीं, आप एक एक चैनल पे 700 वॉट और दूसरे चैनल पे भी 700 वॉट दे सकते हैं अगर आपका स्पीकर या बेस 8 ओम्स का है। दोस्तों ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जो है अगर आप इसके बुकायदे से नहीं चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको बेस और स्पीकर की क्वालिटी वगैरह फट सकती है, और कुछ होना आपके एम्पलीफायर पे भी लोड आ सकता है। दोस्तों अगर आपका स्पीकर 8 ओम्स का है तो आप 700 वॉट दे दीजिए। दोस्तों यहाँ अगर आपका स्पीकर 4 ओम का है, जो कि बेसिकली सारे ही 4 ओम के होते हैं, अहूजा के जितने जहाँ तक स्पीकर हैं सारे 4 ओम के हैं, और अगर बेस भी 4 ओम का है, तो यहाँ पर आप 1100 वॉट एक चैनल पे 1100 वॉट और दूसरे चैनल पे भी 1100 वॉट दे सकते हैं, कोई लोड में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आवाज़ बस आपकी थोड़ी बढ़िया सी हो जाने वाली है। दोस्तों अगर आपका स्पीकर 2 ओम का है, जैसे कि होते नहीं है 2 ओम के स्पीकर, या बेस भी 2 ओम का आपने रख रखा है कुछ पैदल कनेक्शन उसमें करके, तो यहाँ पर आपको जो है 1600 वॉट एक पे और 1600 वॉट एक पे, यानी कि तब आप यहाँ पर पूरा लोड दे सकते हैं अगर आपका स्पीकर या टॉप 2 ओम का है। तो दोस्तों ये थी इसकी कुछ बेसिक सी जानकारी जिसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो दोस्तों चलिए बात करता हूँ ब्रिज मोड के बारे में। तो दोस्तों मान लीजिए आपके पास है 8 ओम्स का बेस,
तो यहाँ पर आप 2200 वॉट इधर एक चैनल पे और 2200 वॉट उधर दूसरे चैनल पे दे सकते हैं, टॉप भी 2200 वॉट का दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका 4 ओम का बेस या टॉप है तो आप 3200 वॉट इधर और 3200 वॉट उधर दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों बिना ब्रिज मोड करे ये ऐसा वॉट आप ना दे दीजिएगा, नहीं तो आपके एम्पलीफायर तो पक्का फूक जाने वाली है या तो उसमें कुछ खराबी आ जाएगी। एक बार दोस्तों अच्छे से जान लीजिए ब्रिज मोड कैसे लगाया जाता है तब करिए, और आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगी कि आप ब्रिज मोड कैसे लगा सकते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन एलेक्से 3200 के बारे में, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। दोस्तों चलिए आते हैं अपनी सेकेंड एम्पलीफायर के ऊपर, जो कि है एलेक्से सीरीज़ की 2400 आहूजा की एम्पलीफायर, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, पिछली एम्पलीफायर से छोटी है लेकिन इमेज में आपको सेम दिख रही होगी। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी इसकी बढ़िया है, प्रीमियम लगती है देखने से, ब्लू कलर की तो और अच्छी लगती है, ब्लैक में भी आती है, मैं आपको रेफर करूँगा ब्लू की लीजिए, ब्लू कलर की लीजिए, वहाँ पर आपको थोड़ी बढ़िया मिल जाती है। दोस्तों इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जिसके बारे में चलिए बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका मॉडल नंबर है जो कि है एलेक्से का 2400, दूसरा है इसका वॉट, जहाँ पे आप 2400 वॉट के एम्पलीफायर है जैसा कि मॉडल नंबर से आपको पता लग गया होगा, और यहाँ पर आप एक चैनल पे 1200 वॉट और दूसरे चैनल पे 1200 वॉट दे सकते हैं। दोस्तों थर्ड है यहाँ पे आप डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर आप दो चैनल पे ये स्विच चला सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ दो चैनल मिलते हैं स्पीकर या बेस कनेक्ट करने के लिए। दोस्तों ये थी कुछ इसकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जो कि बाहर बाहर रहती है। चलिए बात करते हैं सॉरी फ्रेंड्स एम्पलीफायर के अंदर की बात, जो कि रहता है आप कितने ओम का बेस डालेंगे, कितने वॉट का, कितने ओम का, कितने ओम पे वॉट पे बेस डालेंगे, तो सबकी बात चलिए करता हूँ इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, दोस्तों यहाँ पर है इसका कंटिन्यूस पावर रेटिंग। दोस्तों कंटिन्यूस रेटेड पावर की बात करूं तो जहाँ तक चलती है स्टीरियो मोनो मोड पे, तो यहाँ पर अगर आपके पास 8 ओम्स के स्पीकर या बेस हैं तो यहाँ पर आप एक चैनल पे 250 वॉट, मतलब कि 2 × इसका 250 वॉट दे सकते हैं। आप दे सकते हैं 2 × 2x, आपको दिख रहा होगा 2 × 250 वॉट्स यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास 4 ओम का है, जो कि 4 ओम के बेस और स्पीकर स्टॉप वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर आप 4 × 2x 4 475 वॉट्स, और एक दूसरे चैनल पे भी 475 वॉट दे सकते हैं, यानी कि 2x का अगर आप इसको इंटू करते हैं तो उतने में का आप इसमें दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात आई 2 ओम की, तो यहाँ पर आप मान लीजिए 2x यानी कि 675, यानी कि अगर आपका स्पीकर या बेस 2 ओम का है तो यहाँ पर आप 2 × में जाइएगा। तो आपने जैसा देखा यहाँ पे आप इसे 2x पे 625 और 625 का दे सकते हैं। दोस्तों चलिए बात करता हूँ यहाँ पे ब्रिज आउटपुट के बारे में। दोस्तों मैं फिर से बता दूँ, अगर आपको ब्रिज मोड के बारे में नहीं पता है तो आप प्लीज़ इसको कनेक्शन को मत करिएगा, अच्छे से जान लीजिए या तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों 8 ओम्स पे यहाँ पर आप 950 वॉट चला सकते हैं, अगर आपका स्पीकर या बेस 8 ओम्स का है तो यहाँ पर आप 950 वॉट एक एक चैनल पे दे सकते हैं, और दोस्तों 4 ओम का है तो यहाँ पर आप 1350 वॉट और 1350 वॉट दूसरे पे दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से पता लग गया होगा एलेक्से 3200 और यहाँ पर एलेक्से 2400 के बारे में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर से लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कोई भी दिक्कत ना करिए, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों अगर आपको ऐसी डीजे की वीडियो चलती है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों ये वीडियो बस इतनी थी 3200 2400 के बारे की थोड़ी सी बहुत सी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा, दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड टाटा।